सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। बहादुर जी तो पाठ कंप्लीट हो गया, सारा काम हो गया। जिसका काम नहीं हुआ है वो कंप्लीट करे। पहले सैटरडे संडे का भी आपके पास टाइम है था, और जिसने नहीं भी किया तो वो कंप्लीट करें, बुक में भी और नोटबुक में भी। और रीडिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी है बच्चों, क्योंकि आप रीडिंग कर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको रीडिंग करना आएगा। रीडिंग नहीं करोगे, रोज आप रीडिंग किया करो, कम से कम 2 पेजेस डेली रीडिंग करनी है। आज हम नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ 6, जो कि एक कविता है, हमसे सब कहते। इससे पहले वाले में उस बच्चे का मन करता था ये करने का, वो करने का, उसका वो भी जो कवि था वो बालक के रूप में था। और इस वाली जो कविता है इसमें भी जो कवि है अपने आप को बालक के रूप में देखता है, छोटे बच्चे की, आपके एज के बच्चे के रूप में, और फिर कुछ बातें शेयर करना चाहता है जो कि वो फील करता है। इस पाठ से पहले एक और पाठ है, मूस की मजदूरी। ये वाला काम आपको मैं होमवर्क देती हूँ कि इस मूस की मजदूरी की रीडिंग करनी है आपने, इसकी ऑडियो भेजनी है, और कल मैं इस कहानी के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ रीड इट। जब आप रीड करोगे तभी तो डिस्कस कर पाओगे ना, समझोगे। इसको रीड जरूर करना है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मूस यानी चूहे की कहानी, ठीक है, उसकी मजदूरी के बारे में, मूस की मजदूरी के बारे में बताया गया है। और हमसे सब कहते हैं पाठ, इसका कविता का पाठ मैं करती हूँ, और आपको भी इसी तरह से रीडिंग करके और लर्न भी करना है और समझना भी है, अंडरस्टैंड। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। सूर्य, सूर्य यानी सन, सन को कोई कहता है कि तुम धूप मत फैलाओ, चाहे उसकी धूप, आजकल इसकी धूप हमें कितनी परेशानी लगती है, इससे इतनी गर्मी लगने लगती है, घोरियाँ आ जाती है, जलन होने लगती है, पर क्या सूर्य को कोई कहता है, आपके पापा या दादा या प्रिंसिपल सर या मैं, कोई कहते हैं कि यहाँ धूप मत फैलाओ, सूर्य यहाँ धूप मत फैलाओ, कोई नहीं कह सकता। तो यही कह रहा है बालक कि सूर्य को कोई कहता नहीं है कि सूर्य क्या करता है। सूर्य धूप यानी सूर्य की रोशनी, सुबह उठते ही जैसे हम गेट खोलते हैं हमारे घर में, सूर्य का धूप फैल जाता है। अगर सूर्य का धूप ना हो तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन कभी कभी ये सूर्य की धूप हमें बहुत ही परेशानी लगती है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन हम इसको नहीं कह सकते। कोई नहीं चांद से कहता, चांद यानी मून, चंद्रमा, ठीक है, चांद मून जो रात को निकलता है। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। चांदनी, चांदनी क्या होती है, चांद की रोशनी, मूनलाइट, चांदनी। इसकी चांदनी वैसे बहुत अच्छी होती है, पर फिर भी अगर हमें नहीं चाहिए हुआ तो क्या हम बोल सकते हैं चांद को कि अपनी चांदनी को ले जाओ, उठा के ले जाओ, नहीं कह सकते। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। जब तेज हवा चलती है हमारा सब पर्दे खिड़कियाँ सब उड़ा देती है, और घर में सारा सामान उतर पुतर कर देती है, कुछ यहाँ गिरता है कुछ वहाँ गिरता है, पर क्या कोई हवा को कह सकता है खबरदार जो अंदर आई, नहीं, ये तो कहना नहीं मानेगी हवा। हवा कभी भी नहीं मानेगी कहना, ठीक है। धीरे धीरे हवा चलती है, इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब तेज हवा आती है तो फिर तो खिड़कियां भी तोड़ देती है, कांच तोड़ देती है, और घर में सामान सारा का सारा इधर उधर मचा देती है, पर उसको कोई नहीं कह सकता कि अंदर नहीं आना, खबरदार यानी हाउ टू डे यू बी वेयर, ठीक है, खबरदार जो अंदर आई। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। अब किसकी बारी आई, बादल, बादल यानी क्लाउड्स। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। जलधार यानी जल की धारा जो लगातार बहती रहती है, जब तेज बारिश आती है लगातार बारिश आती रहती है तो उसको कहते हैं जलधार, जल की धारा। बादल क्या करता है, वर्षा। क्लाउड्स, बादल से कहता कब को कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। कोई नहीं कह सकता, बादल मानेगा तो ना, बादल का तो जब मन करेगा जब बरसेगा। अभी हम बोलते हैं बरसने के लिए, बरसेगा ही नहीं, और जब ज्यादा बारिश होने लगेगी उसको
कि आप क्यों बरसा रहे हो, बस बंद करो बादल भैया, बंद करो। पर बादल नहीं बंद करेगा। फिर क्यों हमसे भैया कहते? अब बालक कह रहा है, इनको तो कोई कुछ नहीं कहता, ना सूरज को कहता, ना चांद को कहता, ना हवा को, ना बादल को, तो फिर क्यों हमसे भैया कहते? भैया यानी बड़े भाई, यहाँ ना आओ, भाग जाओ। जब भैया कुछ काम कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, जब हम वहाँ पे खेलते हैं, शोर मचाते हैं, तो भैया हमें कहते हैं, जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं आना, भागो, जाओ। अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। क्यों भैया, हमें तो खेल खिलौने से खेलना अच्छा लगता है। पर अम्मा क्या कहती है, यहाँ भी खिलौने, यहाँ भी खिलौने, भैया यहाँ से खिलौने हटाओ, यहाँ वहाँ मत फैलाओ, पूरे घर में गंदगी मत फैलाओ। अगर जब हवा गिरा देती है सारी चीजें, फिर तो कोई नहीं कहता, फिर तो उठा उठा के रख लेते हैं। लेकिन हम अगर गिरा खेलें और छोड़ दें, फिर तो हम पे सब गुस्सा करता है। अम्मा क्या कहती है, खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा यानी मम्मी। पापा कहते बाहर खेलो, पापा भी डांट सुनाते हैं। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, वो भी मना कर देते, भैया हम कहाँ जाएं लॉकडाउन में, अंदर ही खेलेंगे। लेकिन पापा तो कहते बाहर जाओ, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, हम पर सबका जोर चलता है ना, जैसे दादाजी सब पे धौंस जमाते हैं, हम पे तो कोई भी धौंस जमा, छोटे बच्चों पे तो कोई भी धौंस जमा सकता है। बादल पे कोई जमा के दिखाए, सूर्य पे कोई जमा के दिखाए, लेकिन उस पर तो जोर चलेगा ही नहीं। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे सो डांट बताए। सारे जने हमें ही डांट देते हैं और हम तो कहना मान जाते हैं। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए। कैसी लगी है कविता? मुझे आशा आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है? बहुत ही जल्दी सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, चांद के बारे में, फिर हवा, और फिर बादल, और फिर भैया जो डांटेंगे, फिर मम्मी डांटेगी, और फिर पापा डांटेंगे, और फिर सब मिलके डांटेंगे। बस इतनी सी है पोयम। इस पोयम को याद करना है और पढ़ना है। पढ़ना सबको आना चाहिए। आ की मात्रा, ई की मात्रा, अंक की बिंदु का ध्यान रखना है, और रीडिंग करते हुए की वीडियो या ऑडियो मेरे पास सेंड करनी है। साथ में मूस की मजदूरी जो कहानी है वो भी रीडिंग करनी है, और कल मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। और क्या करेंगे, हम सब कहते हैं कि सब अर्थ भी करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।